जी, एक और क्विक एग्जांपल है कि किस तरह इब्तदाई बेसिक ज़रूरत के बनाने वाली चीज़ों से आप हायर आर्ट्स या हायर डिज़ाइन की तरफ कैसे जाते हैं। उसकी एक एग्जांपल है सिरामिक्स की। सिरामिक्स होता है कि आपने आम मिट्टी उठाई और उससे किसी भी तरीके से आपने एक कंटेनर बनाई कि कोई एक बर्तन बन गया जिसमें आप लिक्विड या सॉलिड कुछ भी होल्ड कर सकते हैं। हमारी तमाम जितनी भी ह्यूमन रेस की जो इब्तदा है, किसी भी मुल्क किसी भी कल्चर में हो, उसमें सबसे पहले जो बर्तन हैं वो आमतौर पर या पत्थर में या मिट्टी में बने। यानी इतनी पुरानी चीज़ है कि आपने जो भी कोई चीज़ होल्ड करने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए आपने बर्तन बनाना है, वो आपने सिरेमिक में बनाना है। यानी ये बेसिक ह्यूमन नीड आप कह सकते हैं। इससे इसको कैसे आगे की तरफ डिवेलप किया ये देखते हैं। अब ये देखें, ये कि स्लाइटली बात कीजिए कि आपने उसी को हैंडल आपने अटैच कर दिया, ऊपर कुछ लिख दिया, वो डिज़ाइन हो गया, जो कुछ किया है, हो सकता है उसका कुछ सिग्नेचर हो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रूरत से थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, डिवेलप हो रहा है। अब ये एक मॉडर्न टाइम का, मतलब थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफ़ी आजकल का चीज़ है कि जिसमें ये जैपनीज़ है और ये टी कंटेनर है, वो टी कप है उनका, वो ऐसे इसी किस्म के कप्स में पीते हैं। अब उसके ऊपर डिज़ाइन और जो मटेरियल की खूबसूरती है, प्लस उसको लकड़ी के साथ आपने मिक्स किया हुआ है कि आप इस तरह करके अब ये आप हायर लेवल के आर्ट पे आ रहे हैं। उसी कंटेनर को जो सादा, जिसने सिर्फ लिक्विड होल्ड करना था, अब आप उसको टी सेरेमनी, जो कि जापानी टी सेरेमनी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, अब टी सेरेमनी के लिए आप हायर लेवल के बर्तन और कंटेनर्स आप बना रहे हैं। इसी को मज़ीद मॉडर्न टाइम्स में अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर चले जाएँ तो ये इस किस्म की आपको इंतहाई खूबसूरत सर्विसेज भी मिलती हैं। इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल उस जगह पे आ गया है कि जहाँ आप कहेंगे कि सिर्फ हाँ ख़ास ख़ास मौक़ों पे ही इसको इस्तेमाल किया जाए, और इस किस्म की चीज़ें आपको म्यूज़ियम्स में भी, आपको डिज़ाइन के म्यूज़ियम्स में भी मिलती हैं। फिर उसी को, उसी कप को, जो बेसिक कप था, पीछे जाते हैं, बेसिक कप था, उसमें आप डिज़ाइन के लिहाज से एलिमेंट्स फ़र्क ला रहे हैं कि यानी अब सीधा है तो उसको टेढ़े करने का कोई मकसद नहीं है। ये जो टेढ़ा हुआ है उसका मकसद नहीं, सिवाय इसके कि एस्थेटिक प्लेजर है कि देखने में खूबसूरत लगे, अमेजिंग लगे, उसूलों पे ना चले, और जिस तरीके से इसका हैंडल भी है, जो इसकी हाइट और विड्थ की प्रोपोर्शन है, अब ये सारी की सारी आर्टिस्टिक इसमें चीज़ें डली हुई हैं कि जिसकी वजह, और उसको मकसद यही कि दिखने में खूबसूरत से खूबसूरत लगे, कि चाहे तो पी ही जाए लेकिन आइडिया भी आपको नया मिले, आपको देखने में भी खूबसूरत हो, पकड़ने में भी में आपको प्लेजरेबल लगे, कि आप समझें कि चाय पीने के अलावा के साथ साथ सारे किस्म के जो प्लेजर्स हैं ऑफ लुकिंग एट अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट, वो आपको इसमें मिल गए। अब चूंकि ये चीज़ यूटिलिटी वाली है कि बाहर आ रहा है, इसमें चाय डाल के अपने पीनी है, इसलिए आप इसको डिज़ाइन के एरिया में रखोगे, लेकिन फिर भी ये फील्ड ऐसी है कि जिसको आप डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स दोनों के अंडर आप देख सकते हो, लेकिन बाहर आ रहा ये हायर लेवल की चीज़ है। ये एक सादा चीज़ किस तरह ऊपर की तरफ गई है, इसी को आप इंडस्ट्रियल लेवल पर भी ले जा सकते हैं कि जैसे अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है लेकिन ये फंक्शनैलिटी के लिहाज से ये हद परफेक्ट है। तो बेशक ये इंडस्ट्रियल है, बेशक ये डिज़ाइन के लेवल की, लेकिन इसको भी आप एक हाई आर्टिस्टिक चीज़ समझेंगे क्योंकि इसने फंक्शन और ब्यूटी और बैलेंस को की जो अपर लिमिट्स है ना, वो अपने टच कर ली हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं जिसको आप बहुत आराम से आप हाई फाइन आर्ट्स की ऑब्जेक्ट्स के अंदर ला सकते हैं। ये उनमें से एक चीज़ है, ये आपको डिज़ाइन म्यूजियम्स में मिलेगी। दूसरी उसकी एग्जांपल ये कि कप ही है, नॉर्मल वैसा ही कप है जैसे सबसे पहला कप था, शक्ल वही है, लेकिन इसमें इंतहा का स्किल और मटेरियल की स्टडी उन्होंने डाली है। ये भी एक काफ़ी पुराना है, म्यूज़ियम की कलेक्शन है, लेकिन सादा कप की, जो कि यूटिलिटी वाला कप था, उससे एक आर्टिस्टिक, हाई लेवल की आर्टिस्टिक चीज़ कैसे बनी है, ये उसकी दूसरी एग्जांपल है। और तीसरी एग्जांपल ये है कि वही कप है, वही चीज़ है, लेकिन इसमें से यूटिलिटी बिल्कुल ही हमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसमें कप में चाय डाल के नहीं पी सकती और पीना चाहूँगी भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उसी कप को
बिल्कुल कप की शक्ल, मतलब कप का आइडिया तो यूज़ किया, लेकिन बिल्कुल एक अपना ही जो कहते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसमें दिया। तो यानी ये भी एक हायर लेवल की आर्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि बेसिक मिट्टी के बने हुए कप से निकली है। इस तरह आप देखें कि बिल्कुल बिल्कुल बेसिक यूटिलिटी की इस्तेमाल की चीज़ किस तरह हाई लेवल की आर्ट में बदली है। थैंक यू।